नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंगेर से अपहृत दो युवक का तिलकपुर दियारा से शव हुआ बरामद। आपसी रंजिश को लेकर हुई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर और मुंगेर के डीएम को मिला प्रमंडलीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। भागलपुर कमिश्नर वंदना किनी की तबीयत हुई खराब, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया पटना। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार। एक साथ मिले 83 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2200 के पार। अब समाचार विस्तार से। मुंगेर पुलिस ने 17 जुलाई को अपहृत हुए दो नाबालिग युवकों के शव को गुरुवार की सुबह सुल्तानगंज के दियारा इलाके से बरामद किया है, जिसके बाद घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान 17 वर्षीय आदित्य कुमार और 16 वर्षीय अमन कुमार के रूप में की। घटना को लेकर मृतक के पिता तारापुर परवारा गांव निवासी रविंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 17 जुलाई को पड़ोस के अंबुज यादव ने फोन कर दोनों को मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद दोनों युवक घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद तारापुर थाने में पुत्र के गायब होने का मामला दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी अंबुज यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर सुल्तानगंज के तिलकपुर दियारा इलाके से पुलिस ने शव को बरामद किया है। घटना का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 17 तारीख को जिस दिन अपना गाड़ी में ट्रैक्टर में तेल डाले थे, वो बात कर रहा था ये तारापुर, तो तारापुर भाई हमारा बेटा बुला करके ले गया, जो अभी तक बेटा हमारा आपस नहीं बराबर फोन की लाश है। हम थाना को भी कहे जा करके तो बोला कि नहीं ये नहीं होगा, का इसका पापा पहले मरा था। उसके बाद उनको बराबर मैंने अपने बढ़िया से बोले कि नहीं यही हमारा बेटा को फोन किया, यही हमारा बेटा को ले गया है, लेकिन बराबर ने अपना सही पति नहीं किया। मैंने उस दिन चेक करता तो हमारा बेटा अभी नहीं मरता। बिहार के दो IAS अधिकारियों को प्रमंडलीय आयुक्त का प्रभार सौंपा गया है, जिसको लेकर गुरुवार को सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बुधवार की रात डॉक्टरों के निर्देश पर पटना भेज दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त की तबियत खराब होने के कारण भागलपुर DM प्रणब कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं मुंगेर प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही भागलपुर कमिश्नर वंदना किनी का प्रभार मुंगेर DM को दिया गया, जिसकी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। दोनों प्रमंडल का कार्य दोनों जिले के DM देखेंगे। देश में कोरोना के कहर ने आम लोगों के साथ साथ खास लोगों को भी अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। बीते दिनों इसके जद में आकर भागलपुर के DM, ADM, DDC, स्वास्थ्य विभाग के DPM समेत आधा दर्जन अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए थे। वहीं बीते सप्ताह भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें उनके आवास में ही आइसोलेट किया गया था, लेकिन उनकी बिगड़ती हालत में सुधार न होता देख डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बुधवार शाम को पटना रेफर कर दिया। उन्हें देर शाम SSP आशीष भारती की मदद से डॉक्टरों की टीम के साथ कड़ी सुरक्षा में एम्बुलेंस से पटना भेजा गया। जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सूबे में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण का ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी कोरोना पर काबू पाने में विफल नजर आ रहा है। गुरुवार को आई ताजा आंकड़े की यदि बात करें तो जिले में 83 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2100 को पार कर गया है। इसके बावजूद शहर में लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है और ना ही लोग घरों में रहने वाली बात को मान रहे हैं। वहीं पड़ोसी जिला बांका से 17 एवं मुंगेर से 11 संक्रमितों के अलावा पूर्णिया से 32 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इधर राजधानी पटना में हमेशा की तरह रिकॉर्ड तोड़ 307 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए संपूर्ण बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार हो रही वृद्धि लॉकडाउन को विफल साबित कर रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगछिया खरीक प्रखंड के सुगठिया गांव में गंगा की उफनती धारा और लगातार बारिश ने इलाके की सूरत बिगाड़ दी है। जहां ग्रामीण खाना बनाने के लिए जलावन की व्यवस्था में लगे हैं, वहीं किसान खेत में रखे सामानों को गंगा पार इकट्ठा करने में जुटे हैं। बाढ़ के दौरान पशुपालकों के समक्ष चारा की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर महिला और पुरुष गंगा के उफान में भी दियारा क्षेत्रों से नाव पर सवार होकर पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रहे हैं। ग्रामीण रीना देवी एवं जानकी देवी ने बताया कि बरसात के मौसम में अगर जलावन नहीं मिलेगा तो उनके बच्चों को भूखे ही सोना पड़ेगा। भले ही बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ता शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कटिहार में शराब पार्टी करते हुए जेडीयू नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में डंडखोर प्रखंड के जेडीयू नेता विक्रम कुमार शराब के साथ कबाब का भी मजा ले रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होते ही कटिहार राजद जिलाध्यक्ष अब्दुल गनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि सुशासन की सरकार में शराबबंदी सिर्फ आम जनता के लिए है, जबकि जेडीयू के नेता और मंत्री शराब पीते हैं। वहीं दूसरी ओर जेडीयू जिलाध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि विक्रम कुमार नाम का व्यक्ति फिलहाल पार्टी में नहीं है। ये तो कोई नई बात नहीं है, सुशासन का खेल जो है पूरा बिहार देख रहा है और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी बराबर ही बात कहते हैं कि विधायक हो सुशासन बाबू का, विधायक लोग भी दारू पीता है, कई वीडियो वायरल हुआ। अभी कटिहार जिला में जदयू का प्रखंड अध्यक्ष किस तरह से नंगा नाच कर रहा है दारू पी के, तो सुशासन आम जनता के लिए दारू बंद किया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो जिला अध्यक्ष है उसका बयान हम आपके माध्यम से देखे हैं। हम तो इस तरह का छोटभैया नेता को हम चैलेंज करना चाहते हैं कि जनता दल यू का हमारे कटिहार जिला में 16 प्रखंड है और 2 महानगर है, वो अगर सिद्ध कर देगा कि जनता दल 16 प्रखंड अध्यक्ष में से किसी ने शराब पिया और शराब की पार्टी किया है, हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को भी बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ भागलपुर इकाई का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान संविदा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में संविदा कर्मी कोविड-19 महामारी के प्रकोप से बचाव हेतु बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं। हर स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा भाव से निरंतर समय से ज्यादा कार्य कर रहे हैं, फिर भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, जो कि निंदनीय है। संघ के नेता ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो सारा कामकाज ठप कर दिया जाएगा।
आंदोलन में सचिव धनंजय कुमार, जिला लेखा प्रबंधक विकास कुमार, श्री कुणाल कुमार, मोहम्मद जफरुल इस्लाम, नवीन मिश्रा, सुजीत कुमार झा, अमर कुमार सहित जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं प्रखंड कार्यक्रम इकाई के समस्त कर्मी उपस्थित थे। 19 में सारे स्वास्थ्य कर्मी, प्रबंधकीय, लेखापाल, आउटसोर्स, सभी जो है तन मन धन BCM और सभी NHM कर्मी जितने भी लगे हुए हैं, कई इससे आक्रांत भी हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारी जो है सूद नहीं ले रही है। कई आक्रांत होकर के इसमें मृत्यु भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। NHM कर्मियों के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता रहा है और आज भी किया जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे आउटसोर्स के कर्मी हैं जिनके साथ भी भेदभाव होता है, उनका कोई भी नियमितीकरण का प्रस्ताव नहीं है। यहाँ तक कि NHM के कर्मी पिछले 5 वर्षों से इस मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा सुध नहीं ले जा रही है। NHM सभी कर्मी जो है वो पब्लिक हेल्थ कैडर और अस्पताल प्रबंधन कैडर को लागू करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ साथ जो भी आउटसोर्स सेवा है उसको भी बंद किया जाए और सबको नियमित किया जाए, मुख्य मांगे हमारी यही है। नौगछिया बीपुर प्रखंड के बिचला टोला इलाके में खाना बनाने के दौरान गैस लीक करने से सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार को मुन्ना सिंह की पत्नी सोनी देवी खाना बना रही थी, इसी दौरान गैस लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। वहीं सोनी देवी को बचाने पहुंचे घर के अन्य सदस्य भी झुलस गए। बांका पंजवारा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध महुआ बरामद किया है, साथ ही पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पंजवारा पुलिस को झारखंड से तस्करी कर अवैध रूप से महुआ लाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद मारा टीकर गांव के समीप पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान ऑटो से पुलिस ने बोरे में बंद महुआ बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मोतिया गांव निवासी ऑटो चालक नंद किशोर यादव को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंगेर से आपृत 2 युवक का तिलकपुर दियारा से शव हुआ बरामद, आपसी रंजिश को लेकर हुई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर और मुंगेर के DM को मिला प्रमंडलीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। भागलपुर कमिश्नर वंदना किनी की तबीयत हुई खराब, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया पटना। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार, एक साथ मिले 83 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2200 के पार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।